धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के समर्थन में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद किशन कपूर भी विशेष रूप से पहुंचे थे। वहीं पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया भी मौजूद रहे। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के समर्थन में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के समर्थन में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद किशन कपूर भी विशेष रूप से पहुंचे। वहीं पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सांसद किशन कपूर के मन की पीड़ा छलक गई। कपूर ने कहा कि मैं बीमार हूं, यहां बड़ी मुश्किल से खड़ा हूं। कार्यक्रम में अपने मन की पीड़ा को बयां करते हुए सांसद ने कहा कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि बड़े नेता जब दूसरों को टिकट मिलता है तो बीमार पड़ जाते हैं। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। कपूर ने कहा कि जो विकास मैंने बतौर अपने कार्यकाल में करवाया है उस विकास की कोई सीमा नहीं है। मुझे वायरल हो गया है, उससे काफी वीकनेस हो गई है। मैं अपनी मन की पीड़ा बता रहा हूँ। कपूर ने कहा कि ईमानदारी मेरा शुरू से मूल मंत्र रहा है और ईमानदारी से जीत के चलते ही मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र सांसद पहुंचा हूं। जनहित के लिए मैंने कभी चुनाव को नहीं देखा। धर्मशाला में सड़कों का जाल बिछाया, विकास में कमी नहीं आने दी। सांसद निर्वाचित होने उपरांत मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 करोड़ धर्मशाला के लिए स्वीकृत करवाया। धर्मशाला का विकास मेरी प्राथमिकता रही है। भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह है, निरंतर बैठकों का दौर जारी है। सांसद अस्वस्थ होने के बावजूद कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बीमारी के बावजूद सांसद कार्यकर्ताओं से जुड़े पल पल की खबर ले रहे हैं कि उपचुनाव ठीक चल रहा है या नहीं। सांसद बीमार होने के बावजूद उपचुनाव में पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारा उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। धर्मशाला की जनता भी बहुत उत्साह इस चुनावों में दिखा रही है और निरंतर बैठकें चल रही हैं हम लोगों की। गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, लोग साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो सांसद जी ने भी आप आज कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह देखते हैं? जी, सांसद जी अस्वस्थ होने के कारण भी यहाँ पर आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं लंबे पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो है बीमार चल रहे हैं। बीमारी के कारण भी वह इस उपचुनावों में सभी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की खबर ले रहे हैं कि उपचुनाव ठीक चल रहा है। और धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसा नेतृत्व हम लोगों को धर्मशाला में आपने दिया है, जो कि निरंतर बीमार होने के बावजूद भी सेवा में पार्टी की लगा हुआ है। धन्यवाद।